नाहक ने तू आ गई और कर ले मुझसे नाहक ने तू आ गई और कर ले मुझसे समर्पित हर करो जिंदगी प्यार में तेरे हो जा मीरा, ऐसा है आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं जो कहा था कि 4 बजे उस बगीचे में मिलूंगा, ठीक है भैया? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मेरा छोटा भाई किशन है। अच्छा कर आपका छोटा भाई? हाँ, तू आ जाओ और कल 4 बजे ठीक। नहीं अरे बाबा जाओ ना, थोड़ा आराम कर लो ना। अरे भैया वो देखेगा तो क्या बोलेगा फिर? अरे वो कहाँ भी आ रहे हैं? अरे आए आ रहा है वो इसी का। अरे चलो चलो जाओ ना, थोड़ा पप्पी दे दो। जाओ ना, अरे जाओ ना। अरे आए मिलो गिर। हाँ भैया आज कह रहे किशन। अरे वो किशन किधर है तू? तुझे कब से ढूंढ रहा? 2-3 घंटे से भैया, और तुम्हें ढूंढता हूं 3 घंटे से भैया, और तुम्हें ढूंढता, पर भी कहीं भी तुमने न आए नजर। क्या अकेला तुम्हें हर अच्छा लगता यह है? हो गया शाम भैया चलो अब घर। क्या बात करते कि मुझे तो मत ढूंढ, इस घर में मेरा दिल नहीं लगता है। नहीं रे किशन, तू नहीं समझता, आज सुबह से मेरे सर में बहुत जोरों के साथ दर्द है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, नहीं सही लगता। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो चलो चलो हम डॉक्टर से इलाज करवा देते हैं। हाँ ठीक है चलो, भाई चलेंगे।
जहाँ भी चलोगे मैं तुम्हारे साथ वही चलूंगा। लेकिन मेरे भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, दोबारा इसी कभी मत करना कि तुम मुझे मत ढूंढ और इस घर में मेरा दिल लगता है। नहीं किसान, अच्छा ये बता तू मेरा छोटा मुन्ना है, तुझसे अलग होकर इस दुनिया में मैं जी सकूंगा? नहीं। हाँ भैया, तुम्हें भी तुम्हारे बगैर नहीं जीवित रह पाऊंगा। और भगवान से मैं ये भी दुआ करता हूं कि भगवान जिसे भाई दे तो मेरे मुन्ने किसान जैसे। नहीं भैया, आप झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते? संसार में भगवान जिसे भाई दे तो आप जैसा। और भगवान से मैं यही दुआ रोज आना जाना साथ में लगा रहे। हाँ, तो बगीचे में
बगीचे में आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए उसे। हेलो दूध पियो। हाँ ये दूध पी कर मैं नाश्ता निकाल के रखती हूँ। हाँ लेकिन ये बहुत काफी चल रहा है। मेरा गुली जला दिया, अगर जुबान पे रखेंगे तो जुबान फिर जल जाएगा, जहां तक अंदर जाता है वो जलता जाएगा। इसलिए मेरा आगे बढ़ जाओ, इस दूध को पी लीजिए और दूध हमें दे दीजिए। अरे अभी ठंडा हो जाएगा ना, ठंडा होने में लगभग एक दो मिनट लगेगा। तो कोई कहानियां सुनाइए। एक किसान, मुझे इतने टाइम कहानी वहानी कुछ याद नहीं रहता। अच्छा प्यार करना 4 बजे याद रहता है कॉलेज में, तो बगीचे में 4 बजे हम मिलेंगे तुमसे याद रहता है, और कहानियां नहीं याद रहता है। अगर मैं किसी से प्यार किया होता ना तो इतना उसके बारे में कहानियां बना देता कि सुनते सुनते आपका कान उग जाते, लेकिन वो कहानियां खत्म हो जाती। ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें कोई कहानी अगर याद है तो तुम्हें सुना दे। ठीक है, अगर आप कहते तो मेरे पास 1.5 मिनट की कहानियां हैं, इसके ऊपर हमारे पास कहानियां नहीं है। ठीक है ठीक है, सुनाओ तो। ये बताइए कि रावण जनकपुर में पहुंचा तो सब सर्वप्रथम क्या देखा था और क्या सुना था उसने? ये तो मुझे नहीं मालूम, प्यार करना मालूम रहता है, ऐसा बातें आपको नहीं मालूम है? कह दिया कि सर मेरा दिमाग इतने टाइम ठीक। और सामने धनुष देखा था और आकाशवाणी सुना था। आकाशवाणी आया था कि रावण तुम्हें धनुष तोड़ने जा रहे, तुम्हारे लंका में आग लगी हुई है और तुम्हारी बहन कुंभी नसी को दरा लेकर भागा जा रहा है। रावण अपने समस्त परिवारों को पूछा, आवाज आई कि सब अपने काम में विजय लंका का रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसके बाद रावण सोचने लगा, क्योंकि वो विद्वान था, ज्योतिषी था, वो ध्यान किया तो कहता कि मेरे लंका में कुछ नहीं हो रहा, आकाशवाणी तो स्वयं रावण कर रहे हैं। सोचता है कि अगर मैं यहां धनुष तोड़ता हूं तो सब लोग यही समझेंगे कि रावण एक नारी के बस में धनुष पढ़ के धनुष तोड़ता है। ये सोचकर वो यहां से जाने लगा, उसके पैर रुक गए। जी क्यों रुक गए? इसीलिए कि उसी समारोह में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लखनलाल गुरु विश्वामित्र के साथ बैठे थे। ध्यान से देखा तो क्या देखता कि ये तो भगवान नारायण बैठे। वो कहने लगा कि राम आप अपना हस्तरेखा मुझे दिखाओ। तो भगवान पहले बाया हाथ उठाए, बाएं पैर गिर जाता तो क्या देखता कि 14 वर्ष का वनवास लिखा, दाया उठाओ। जब दाया उठाया तो क्या देखता है कि रावण का सत्यानाश लिखा है। रावण वही सोचने लगा कि जब अपना मस्तक काट काट के हवंड कुंड में फेंका था और मानो पंदर मारेंगे उसको, मैं उस मस्तक में देखा था भैया। रावण अपने कटे हुए मस्तक में देख लिया कि मुझे मानो और बंदर मारेंगे तो मेरा मस्तक तो नहीं कटा है। क्या मैं नहीं देख सकता कि माँ आपके गिलास में दूध दे है तो और कुछ नहीं? आखिर में माँ ऐसा क्यों के साथ? एक बेटे के गिलास में और एक बेटे के गिलास में पानी, मुझे जानता है कि सर आज दूध थोड़ा था तो माँ यही सोची होगी कि विषय छोटा है, दूध पिलेगा जल्दी से मिलन के बराबरी में हो जाए। हाँ बात बनाना तो अच्छी तरह आपको मालूम है ना। जरूर कुछ दाल में काला करती है और ये शिकायत हम पिताजी से करेंगे और पिताजी से कहते हैं उसे पिटवाएंगे। अगर पिताजी नहीं पिटेंगे तो मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगा। अगर तू थोड़ा सा था तो आधा आधा करके दे देते, नहीं हमारे गिलास से पानी देती आपको दूध देती तो मैं कोई परवाह नहीं था, लेकिन आज अगर ये बात किसी से कहा
तो तुझे मेरी कसम कसम तो रखकर मजबूर कर देना, लेकिन मेरे सर पे हाथ रखकर कसम को, अगर तुम्हारा तुम्हारे साथ कोई भी चलो गलत करेगी माँ तो मुझसे कहोगी तुम। हाँ कसम कहूंगा, मैं वादा करता हूँ कुछ भी माँ करेगी अथवा करेगी तो मैं तुझसे कहूंगा। चलो भैया खाना भी लिखाएंगे। हर मुझे प्यार की जिंदगी लूटे नवाई, मुझे प्यार की जिंदगी लूटे नवाई, कभी कम न देना कभी कम न देना खुशी से नवाई। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी कम न देना कभी कम न देना खुशी देने वाले। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मोहब्बत क्यों मैं उससे कुछ पूछूं तो क्या उसका जवाब तुम देगी? क्या पूछोगे? तुम उससे कितना प्यार करती हो? तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। और मेरे भाई से? उससे भी तो प्यार करती हो जितना तुमसे करती हो, उससे भी प्यार करती हूँ। जितना मुझसे प्यार करती हो उतना मेरे भाई से प्यार करती हूँ। जी हाँ, जो चीज मुझे खिलाती हो मेरे भाई को खिलाती हूँ। क्यों नहीं खिलाऊंगी? जो मुझे पिलाती हो मेरे भाई को पिलाती हूँ। क्यों नहीं पिलाऊंगी? ऐसा क्यों किया कि मेरे गिलास में दूध और मेरे भाई के गिलास में पानी क्यों? इसलिए तुम गुस्से में हो, गुस्से नाराज हो गए। वही पुस्तक आपने ऐसा क्यों किया? थोड़ा था अभी तू छोटा, पहले वो दूध से छोटा। अरे वो दूध ही पी के इतना बड़ा हुआ है, उससे आना हुआ है, तू छोटा है। मैं इसलिए सोची कि तुम्हारे लिए ले चलू दूध और उसके लिए पानी ले लू। माँ एक बात और सुन लो। क्या? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तो प्यार करती हूँ और अपने भाई से भी प्यार करता हूँ। ऐसा ना हो कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ वैसे कहीं बागी ना तुम्हारा बन जाओ। ऐसा क्यों सोचता है तू? इसे क्या हो गया? उसके दूध में इसका दूध और उसका पानी, इसीलिए इसको गुस्सा आ गया कि उसके लिए पानी मेरे लिए दूध और दूध थोड़ा था। अरे थोड़ा हो या ज्यादा, मेरे लिए तो कांटा बन के रहेगा और मेरे पेट के लिए अगर रहेगा तो इसमें आधे का हिस्सेदार होगा। इसीलिए सोचती हूँ कि ये महल छोड़ के चली आने दो आराम चाहती को। आज मेरा दिल कहता है कि मैं अपने रियासत में जाकर पता लगाऊं कौन पिताए सुखी है अथवा कौन दुखी। क्या बताए? खाना तो खाली है और तो प्राणे पति रुक जाइए, अभी हुआ है छीन।
से तब ड्यूटी आपको जाना नहीं है। ड्यूटी पे जाना ही पड़ेगा। देखो रोज छुट्टी जाते हैं, छुट्टी लिए नहीं है तो हमें जाना ही जाना। देखिए अगर कहीं कोई जाता है उस समय ठीक हो जाती तो उसे अवसर मानते हैं। अरे पब्लिक सब हुआ करता है, ये नहीं जानती तो होनी तो हो कर रहे और अनहोनी ना हो। एक दिन ड्यूटी नहीं जाएंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। अच्छा बाबा जाइए, नहीं रोकती हूँ लेकिन सावधान रहिए, न जाने कहाँ दुश्मन किस भेष में छिपा बैठा हो, कहाँ से वार कर दे। एक दिन तू हमें तंग कर देगी, अच्छा ज्यादा सोचते सोचते हमें तंग कर देगी। अच्छा ठीक है जाइए, अच्छा ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा आने का कारण जानना चाहते हो? जी हमें जानना चाहते। बहादुर घर मेरा हर कर दोगे ये काम, बहादुर घर मेरा हर कर दोगे ये काम, पर उसके बदले में तुम्हें अरे रुपया मिले तमाम। करना क्या है जो इसके लिए आप रुपया हमें देंगे? तुम करोगे? जी हाँ मैं करूंगा, लेकिन बताओ क्या करना है। आप घर से ख्वाहिश हर मेरी पूरी कर दोगे तो घर से ख्वाहिश मेरी आपको मालूम है? जी हाँ। बंसी मालिक को मरवाना क्यों चाहती हो? तुम्हें बंसी मालिक को इस दुनिया से उठाना है तो उसका कीमत। लेकिन उस बिचारे का दोष क्या है जो मैं बात? मैं जो कहती हूँ बस उतना ही सुनो। ये बात है, अगर मरेगी तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। बंसी मालिक रहेगा तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। हाँ नारायण जी, आप हमारी मालकिन है, जो कहते हो मैं करने के लिए तैनात हूँ। लेकिन इससे पहले मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? तो रुपया दस हजार जब जिस व्यक्ति में चाहे 10,000 रुपया, ये काम करने के लिए हमारी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है तो मेरे 5,000 तुम अपने आदमी को भेजो मेरे पास, 5,000 आज देते हूँ, 5,000 काम होने के बाद नहीं भेजा, और तुम पैसा को तैयार रखना। ठीक है तुम अपना आदमी भेजो। चाहो एक रुपया
तुम्हें आज तुम्हें राज दरबार में जाना होगा, राज दरबार में जाना होगा। जाते हैं महारानी कामनी के पास जाना होगा, उससे बोल देना किरण बहादुर ने पढ़ाया है हमें, जो देंगी उसे लेकर आना और लाकर हमें देना। चाह मैं चलता हूं, मेरे कक्ष में आराम करता हूं, जब ये पैसा लेकर आएगा तब सारा बंश भी मेरा पुराना दुश्मन है, क्यों ना अदा कर लूं सारे से। क्या बताओ तो क्या बात है, पैदा बात क्या है? बहादुर हाथ ऊपर कर, तिजोरी ऊपर है। हाँ अबे तिजोरी नहीं, तिजोरी ऐसा ना हो कि पैसा लेकर भाग गया हो, आने दो। लाया कितना दी है? अरे बहुत ज्यादा ला मुझे ला।